टू अवर चैनल माई स्पेस माई लिविंग। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा लिविंग रूम टूर। आप में से बहुत लोग कब से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज आप अपना होम टूर शेयर कीजिए, तो पूरा होम टूर तो मैं आपसे आज नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में अपने घर के सारे सेक्शंस का टूर करवाऊंगी, और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेरा लिविंग रूम टूर। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं मेरे फॉयर एरिया से। सामने जो आप डोर देख रहे हैं, दिस इज माय मेन डोर, और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है एक शू कैबिनेट। ये शू कैबिनेट मैंने होम सेंटर से परचेज किया था और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इसको यूज करते करते मुझे एक साल से ज्यादा हो चुका है। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैबिनेट के ऊपर क्या क्या सामान रखा हुआ है, इसको किस तरह मैंने डेकोर कर रखा है। वॉल पे मैंने लगा रखे हैं ये मेटल के वॉल आर्ट्स जो मैंने पेपर फ्राई से परचेज किए थे, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैबिनेट के ऊपर क्या क्या रखा है। सबसे पहले मैंने लेफ्ट में रखा हुआ है एक स्नेक प्लांट, उसके बगल में रखा है मैंने ग्रीन कलर का लैम्प, उसके संग मैंने रखा हुआ एक छोटा सा कैंडल, और उसके बाद मैंने रखे हुए हैं ये मुगल स्टाइल लैंटर्न्स जो मैंने मीशो से परचेज किए थे, और एक मनी प्लांट। आप में से मुझसे बहुत बार लोग पूछ चुके थे कि ये टेबल रनर आपने कहाँ से परचेज किया है जो शू कैबिनेट के ऊपर है। ये रनर मैंने होम सेंटर से परचेज किया था और इसकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद आप देखेंगे कि फ्लोर पे मैंने एक रनर बिछा रखा है जो कि मैंने अमेजोन से परचेज किया था, और इसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी अमेजोन शॉपिंग हॉल वीडियो में शेयर कर रखा है। अगर आप इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो इसका मल्टी कलर है, इसने एकदम से ब्राइटन अप कर दिया है मेरे एंट्री वे को। वॉल पे मैंने एक वॉल ब्रैकेट लगवाया है जिसमें कि मैंने अपनी विंड चाइम को हैंग कर रखा है। कभी कभी मैं इसमें अपने प्लांट भी हैंग कर देती हूँ। ये जो लाइट है ये मैंने बंजारा मार्केट से परचेज की थी और ये मेरे फॉयर एरिया में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। जैसे ही फॉयर एरिया से आगे बढ़ेंगे वहां पे मेरा लिविंग रूम है, और यहाँ पे मैंने अपना एक सोफा लगा रखा है ब्लू कलर का। एक बार मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ कि मेरा लिविंग एरिया किस तरह लगता है। चलिए मैं आपको एक एक करके अपने लिविंग एरिया के सेक्शंस दिखाती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से। लेफ्ट में आपने देखेंगे कि मैंने दो प्लांट रखे हुए हैं, और मैं प्लांट्स यहाँ पे चेंज करती रहती हूँ, कभी कोई लगा देती हूँ कभी कोई लगा देती हूँ। वॉल में आप देखेंगे मैंने ये सेरेमिक प्लेट्स लगा रखी हैं जो कि मैंने दिल्ली से हौजडानी मार्केट से परचेज की थी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये मुझे बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइस में मिल गए थे। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट वॉल पे मैंने लगा रखी हैं प्लेट्स, एंड राइट वॉल पे मैंने लगा रखी हैं मधुबनी पेंटिंग्स। आप देखेंगे ध्यान से कि मैंने यहाँ पे दो मधुबनी पेंटिंग लगा रखी है, और मिडल में जो पेंटिंग है उसको लाइफ ऑफ ट्री कहते हैं, और ये तीनों ही पेंटिंग मैंने दिल्ली हाट से परचेज की है। ये जो आप ब्लू कलर का सोफा देख रहे हैं ये मैंने नोएडा की लोकल मार्केट से परचेज किया है, और इसका जो चेस्टर लुक है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और जो ये कुशन कवर्स हैं ये मैंने मिंत्रा से परचेज किए थे, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। चलिए बढ़ते हैं अब एक्सट्रीम कॉर्नर पे। यहाँ पे मैंने एक फ्लोर लैंप लगा रखा है जिसमें 3 शेल्फ हैं। टेबल लैंप पे आप देखेंगे कि मैंने एक ब्रास का आउल रखा है, और उसके नीचे मैंने लाफिंग बुद्धा जी रखे हैं, और उसके नीचे मैंने कुछ कैंडल होल्डर रखा है।
लेफ्ट में आप देखेंगे कि मैंने एक राउंड टेबल लगा रखी है, कॉर्नर टेबल, जिसपे कि मैंने ये ब्लू कलर का वास लगा रखा है। उस पर आप देखेंगे ये बोगेनविला फ्लावर्स लगे हैं, साथ में मैंने बुद्धा जी रखे हुए हैं और उसके संग मैंने एक डिफ्यूज़र भी वहाँ पर लगा रखा है। एंड दैट्स ऑल, मैंने बहुत ही कम सामान इस टेबल पर रखा है ताकि आप कभी कोई टी कप रखना चाहें तो वहाँ पर आराम से रख सकते हैं। दिस इज़ माई सेंटर टेबल जो मैंने नोएडा की लोकल मार्केट से परचेज की है अगेन, और आप इसकी क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है। ये बहुत स्टर्डी टेबल है और ये मुझे बहुत पसंद है। सेंटर टेबल के ऊपर आप देखेंगे मैंने बहुत बेसिक सा सामान रखा हुआ है। आप उसमें देखेंगे कि मैंने एक ट्रे रखी है, उस पर एक कैंडल है, रिमोट्स हैं और कोस्टर्स हैं। कभी कभी मैं यहाँ पे प्लांट्स भी ऐड कर देती हूँ, जैसे छोटा सा मनी प्लांट रख देती हूँ। और जो ये कारपेट आप देख रहे हैं ये मैंने पेपर फ्राई से परचेज किया था लास्ट ईयर, और ये भी बहुत स्टर्डी है, बिल्कुल फिसलता नहीं है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैंने एक शैंडलियर लगा रखा है इंडस्ट्रियल स्टाइल में जो मैंने अमेजोन से परचेस किया था। इसको मैं ऑलरेडी अपने अमेजोन शॉपिंग हॉल में दिखा चुकी हूँ। यहाँ लेफ्ट में आप देखेंगे दिस इज़ माय टीवी यूनिट और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फर्नीचर है मेरे लिविंग रूम में। यहाँ पे आप देखेंगे कि टॉप में मैंने एक लाइट लगा रखी है, एक शेल्फ है इस कैबिनेट में जिसमें कि मैंने कुछ डेकोर पीसेस रखे हैं, जैसे कि साइकिल, ब्लूटूथ का स्पीकर रखा है। नेक्स्ट मैंने वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रखी है, एक बर्ड रखी है और कैक्टस के दो डेकोर आइटम्स रखे हैं। नीचे वाले शेल्फ में आप देखेंगे एक फ्लावर बंच है प्लस वास है, कुछ लैंप्स रखे हैं और साथ में मैंने रखा है एक जीजी प्लांट। और इसका आप जो प्लांट होल्डर देख रहे हैं ये मैंने दिल्ली हाट से परचेज किया था, ये बैम्बू का है और इसको वॉश भी कर सकते हैं। साइड में आप देखेंगे मैंने बुद्धा जी का एक स्टैचू रखा हुआ है जिसमें से पानी निकलता है, मीन्स वाटर फाउंटेन है इसमें। ये हमको हमारे एक बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड में हमारे हाउस वार्मिंग सेरेमनी में गिफ्ट किया था एंड इट इज़ द ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। यही टीवी यूनिट के बगल में मैंने दो सेरामिक प्लांट होल्डर टांग रखे हैं, ये ऐसे ही टांगने वाले स्टाइल में आते हैं और इसमें मैंने अपने दो मनी प्लांट्स लगा रखे हैं। थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड करने से रूम में काफ़ी ब्राइटनेस आ जाती है, थोड़ा लाइवली सा लगने लगता है और मैं तो प्लांट लवर हूँ ही तो मुझे प्लांट्स अपने लिविंग एरिया में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो दिस इज़ माई कम्प्लीट टूर ऑफ माई लिविंग रूम। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी इस वाली वॉल पे, राइट वाली वॉल पे जो सोफे के राइट साइड पे है। यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा सामान नहीं ऐड किया, जस्ट एक वॉल पेंटिंग है, एक लाइट है और कुछ नीचे प्लांट्स लगा रखे हैं। ये वाली वॉल क्लॉक भी मैंने अमेजोन से परचेज की है, ये विंटेज रेलवे स्टेशन स्टाइल वॉल क्लॉक जो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। आप देखेंगे साइड में एक पेंटिंग है और नीचे मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं। ये जो प्लांट स्टैंड है, प्लांट होल्डर स्टैंड है, ये मैं आपको ऑलरेडी अमेजोन शॉपिंग हॉल में दिखा चुकी हूँ और इसमें मैंने बड़े हैवी से सेरेमिक पॉट रखे हुए हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। ये जो पेंटिंग है अगेन मैंने नोएडा की लोकल मार्केट से परचेज की है एंड दिस इज़ द कम्प्लीट व्यू ऑफ माई लिविंग रूम। मैंने अपने लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया के बीच में ये पार्टीशन बनवाया है अपने कारपेंटर से बोल के, और इसके वजह से ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, मींस मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। एंड ये डाइनिंग एरिया से भी ये पार्टीशन कुछ इस तरह दिखता है। आप देखेंगे कि मेरे लिविंग एरिया के राइट के बैक साइड में मेरा डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे मैंने एक डाइनिंग टेबल लगा रखा है, पीछे मेरी क्रॉकरी यूनिट है और ऊपर दो मैंने हैंगिंग लाइट्स लगा रखी हैं। ये जो मेरा डाइनिंग टेबल है ये मैंने होम सेंटर से परचेज किया था। पीछे आप देखेंगे ये मेरी क्रॉकरी यूनिट है और ऊपर जो ये हैंगिंग लाइट्स है ये मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मेरी अमेजोन शॉपिंग हॉल वीडियो में। किचन की इस वॉल में आप देखेंगे मैंने एक वॉल हैंगिंग लगा रखी है, ये वाली वॉल हैंगिंग भी मैंने आपको अमेजोन शॉपिंग हॉल में शेयर की थी।
ये हैंगिंग बहुत ही सिंपल है और बजट फ्रेंडली है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको अमेज़न में मिल जाएगी। यहाँ मैं आपसे अपने किचन का एक थोड़ा सा ग्लिम्स शेयर कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैंने अपने किचन में किस तरह का काम करवा रखा है। बहुत जल्दी ही मैं आपसे अपना किचन का डिटेल टूर शेयर करूँगी और साथ में ही अपनी क्रॉकरी यूनिट और डाइनिंग एरिया का भी और डिटेल टूर शेयर करूँगी। अभी जस्ट मैंने आपको ये चीज़ें इसलिए दिखाई हैं क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि अपना होम टूर दिखाइए, तो एटलीस्ट इन वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मेरा एटलीस्ट डाइनिंग एरिया, किचन एंड लिविंग रूम किस तरह लगता है और मैंने किस तरह का यहाँ पर इंटीरियर करवा रखा है। That's all for today's video. Hopefully, आज का लिविंग रूम टूर आपको बहुत पसंद आया हो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है so please like, share and subscribe to my channel, My Space, My Living. And don't forget to follow me on my Instagram. My Instagram handle is My Space, My Living. Take care. Bye-bye.